संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा बीती दिनांक 7 मई 2021 को सिलवासा के शहीद चौक विस्तार में दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा संचालित नव भारत आउटलेट यानी ट्राइबल दुकानों का उद्घाटन करने में आया था। अब दादरा नगर हवेली और दमन में भी आदिवासी कारीगरों द्वारा उत्पादित की गई और वितरित की गई चीजें और वस्तुएं इन दुकानों में मिल पाएगी। संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने प्रदेश के आदिवासियों के जीवन के स्तर को ऊंचा करने की पहल में ट्राइफेड के साथ जुड़कर प्रदेश के स्थानीय आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का उन्हें एक संगठित बाजार मिल पाए ऐसा प्रयास किया है। इन ट्राइफेड द्वारा संचालित ट्राइबल दुकानों में आदिवासी चित्र, बांस और बेंत शिल्प, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद, आदिवासी आभूषण, धातुकार्य, मिट्टी के बर्तन और खिलौने, गिर गाय का घी, चावल, लाल गेहूं जैसी चीजों को आदिवासियों के पास से खरीदकर इन दुकानों में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रदेश के आदिवासियों को उनके उत्पाद और उपज को एक योग्य मार्केट और आवक मिल सके। प्रदेश में आदिवासी उत्पादनों की उपलब्धता से सैलानियों को भी इनकी खरीदारी करने में एक अनोखे रोमांच का अनुभव होगा, जिसके चलते दादरा नगर हवेली में पर्यटक आकर्षित होंगे और संघ प्रदेश के पर्यटन को भी एक गति सी मिलेगी। आपको बता दें कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव प्रशासन प्रदेश के आदिवासी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है, जिसमें प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव पूजा जैन की सक्रिय पहल से दादरा नगर हवेली और दमन में दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्राइबल दुकानों का प्रारंभ करने में आया है। इस अवसर पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, सलाहकार AK सिंह, जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव पूजा जैन, जिला समाहर्ता संदीप कुमार सिंह, नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, पूर्व सांसद नटू पटेल, सीताराम गौली सहित आदिवासी उत्पादकों की उपस्थिति रही थी। मैं राज वशिष्ठ, रीजनल मैनेजर ट्राइफेड गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप। आज हमने अपने पहले दो स्टोर्स यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट कर दिए हैं। इसके बाद इन्हीं स्टोर्स के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से हम अपनी और भी स्कीम्स को यहाँ लाएंगे, जिससे कि जितने भी हमारे यहाँ ट्राइबल आर्टिसंस हैं, ट्राइबल्स हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं या किसी और तरीके का वो कोई काम कर रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएं। ट्राइफेड आज की डेट में मार्केटिंग के लिए अपने 135 से ज़्यादा आउटलेट्स से देश भर के जितने ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएं। इसको आगे ले जाने के लिए अब ट्राइफेड और मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ा है, फॉरेन एम्बेसीज के साथ जुड़ा है, फॉरेन डेलीगेट्स को, और एम्बेसीज में हमने कॉर्नर सेटअप करे हैं ताकि इंडिया का जो ये कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल आर्ट है, इसके बारे में विदेशों में भी लोगों को पता चले। तो इसी तरीके से अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज से यूपी में हमारा काम और तेजी से बढ़ेगा। हमारा एक छोटा ऑफिस यहाँ सेटअप हो गया है, एक तरीके से हमारे लोग और ज़्यादा काम कर पाएंगे। और शुरुआत होगी प्रधानमंत्री वन धन योजना से, जिसके अंडर 15 SHGs बनेंगे, हर SHG में 20 ट्राइबल्स होंगे और ऐसे 15 SHGs को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा, जिसके लिए भारत सरकार 15 लाख रुपए का ग्रांट देती है। उस 15 लाख रुपए के ग्रांट से एक छोटा प्राइमरी एंटरप्राइज बनेगा, जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, और उन प्रोडक्ट्स को फिर हम ट्राइब्स इंडिया के थ्रू भी और भी लोगों को बेचकर उनको प्रमोट करेंगे, उनको लाइवलीहुड। इसी को आगे ले जाते हुए फिर हमारे बड़े क्लस्टर्स और बड़े फूड पार्क्स बनाने का प्लान है, जिसमें है स्फूर्ति क्लस्टर्स, जिसमें एक क्लस्टर के लिए सरकार 2.5 करोड़ रुपए देती है, उसमें हम ट्राइबल क्लस्टर्स बनाएंगे। और उसके बाद हम 100 मेगा फूड पार्क्स, 5 एकड़ और 10 एकड़ की फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, जिसका पूरा पैसा सरकार देगी और उसमें रोजगार मिलेगा ट्राइबल्स को। 300 से 500 लोग डायरेक्टली उसमें काम करेंगे और 3000 से 5000 लोगों का माल हम खरीदेंगे। ऐसे 2 पार्क हम ऑलरेडी देश में लगा रहे हैं, रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़। और इसी तरह हमारा प्लान है कि पूरे देश में 100 और ऐसे हम पार्क लगाएं ताकि हमारे ट्राइबल बहनों और भाइयों को काम मिल सके। थैंक यू।